सत श्री अकाल स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। भारत के पंजाब सूबे विच नौजवानों विच नशे की बढ़ रही आदत लिए पाकिस्तान हमेशा जिम्मेवार ठहराया जाता रहा, पर पाकिस्तान सरकार ने हर बार इस मनन तो इनकार किया। हुण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक सीनियर अधिकारी ने टीवी से कबूल किया कि ड्रोना की मदद ना सरहद पार तो भारत के पंजाब सूबे नशे की सप्लाई की जाती है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष रक्षा सहायक मलिक मुहम्मद अहमद खान ने मनिया कि भारत ड्रोना राही नशे की सप्लाई हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित विचाले खिचोतान का सिलसिला लगातार जारी है। दस दिए कि राज्यपाल वालों हाल ही विच पंजाब दे विधानसभा सैशन गैरकानूनी करार देंदे इस विच पास किए चारों बिलों से हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया। बनवारी लाल पुरोहित ने वड्डा बयान देंदे कहा कि हाल ही विच पंजाब सरकार वालों सदे गए दो दिन के सैशन बारे साडे कोलों कुछ भी पुछया नहीं गया, उन्होंने वालों इसकी इजाजत नहीं दी गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कच्चे अध्यापकों को तोहफा देंदिया करीब 12,710 अध्यापकों नियुक्ति पत्र सौंपे ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यापकों की तनखाह नालों मनरेगा मजदूरों की तनखाह वध है। उन्होंने कहा कि अज तो अध्यापकों के नाम उरे तो कच्चा शब्द हटा दिया गया। उन्होंने साफ किया कि अध्यापकों तो पढ़ाई तो इलावा कोई होर काम नहीं लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में 34 वर्षों के वक्फे मगरों शहर तो मुहर्रम का जुलूस कढ़िया गया, जिथे सरकार ने इसनूं इतिहासिक घटना करार दिता। उत्थे सोग मनाने वाले लोग रवायती रूट तो लंघते जुलूस का हिस्सा बनने लई भावुक नजर आए। रवायती रूट से 8वें मुहर्रम का जुलूस कढ़ने लई सैकड़े शिया श्रद्धालु सवेरे सवेरे श्रीनगर की सड़कों से निकले। काले लिबास पहने मातमी लोग शांतमई स्तुति से नौहा पढ़ते हुए चले। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञान वापसी सर्वेखन मामले सुनवाई तो बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत 3 अगस्त को फैसला सुनाएगी और तक एएसआई के सर्वेखन से लगी रोक बरकरार रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर की अदालत में नियमित कार्य पूरा हो गया, इसलिए जस्टिस दिवाकर ने दोनों पक्षों के वकीलों को बहस करने लिए सुनवाई शुरू होने भारतीय पुरातत्व विभाग के वधीक निदेशक ने अदालत में दसिया कि एएसआई किसी हिस्से च खुदाई कराने नहीं जा रही। उदो चीफ जस्टिस के सवालों का जवाब दे रहे सन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साबका वित्त मंत्री मनप्रीत बादल से तंज कसदे कहा कि मनप्रीत जी ईमानदारी दी बहुत उदाहरणां ना दिओ, मैनूं तुहाडे बागां दे कल्ले कल्ले किन्नू दा पता है, अपनी गड्डी आप चलाउणा टोल टैक्स देना सब ड्रामे ने, तुहाडी भाषा च शेयर हाजिर है, जवाब दी उडीक रहेगी। दस दिए कि साबका वित्त मंत्री ने विजिलेंस ने प्लांट अलाटमेंट मामले च तलब कीता सी। मनप्रीत बादल ने विजिलेंस की कार्रवाई नूं सियासी बदलाखोरी की कार्रवाई करार दिता सी। लुधियाना के गैसपुरा इलाके सूआ रोड के जिस पॉइंट से 30 अप्रैल को गैस लीक होने कारण 11 लोगों की मौत हुई थी, उसे थान से एक औरत के बेहोश होने तो बाद दोबारा गैस लीक होने की संभावना नाल हाहाकार मच गई। इसके मद्देनजर नगर निगम ते पुलिस की टीम साइट से पहुंची, जिन्हों वालों मेन रोड का राह बंद कर दिया गया, चैकिंग की जा रही। हालांकि नगर निगम वालों गैस लीक होने की खबर खारिज कर दिया गया। आप दे सीनियर आगू ते राज्यसभा मेंबर राघव चड्ढा ने मणिपुर च चल रही हिंसा नूं रोकण च नाकाम रहण लई भाजपा ते हमला बोलिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर लगातार अशांति का सामना कर रहे, जदों कि मोदी सरकार शांति बहाल करने लई अपनी संविधानिक जिम्मेवारियों नूं पूरा करने च लगातार असफल रही है। राघव चड्ढा ने कहा कि भारतीय संविधान के मुताबिक यह केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि वह मणिपुर की सुरक्षा करे। उन्होंने केंद्र सरकार तो बीरेंद्र सिंह सरकार नूं तुरंत सूबे चों हटाउण दी मांग कीती है। कनेडा में विरोधी धिर की पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को देश में बढ़ रही महंगाई के लिए जिम्मेवार ठहराया। कंजरवेटिव लीडर पीयरे पॉलिवरे ने ट्रूडो को महंगाई के मुद्दे से घेरे। उन्होंने ट्रूडो को पूछा कि वह महंगाई बढ़ने के कारण जानते हैं, जिस कारण ब्याज दर बढ़ रही ने, डिफाल्ट केस वधे ने। इस तो पहला भी पीयरे ने ब्याज दर मुड़ बढ़ाने के बैंक ऑफ इंडिया के फैसले लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जिम्मेवार ठहराने कहा कि सरकारी खर्चे ने महंगाई को बढ़ा दिया। अफगानिस्तान च भारी हड़ कारण तबाही मची हुई। हड़ कारण देश पिछले एक हफ्ते च घट्टो घट 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जदों की 74 लोग जख्मी हुए ने। उत्थे 41 लोग लापता ने। जानकारी तालिबान की अगवाई वाले कुदरती आफत प्रबंधन मंत्रालय के बुलारे शफीउल्ला रहीमी ने भी दी है। हाल ही आए हड़ कारण घट्टो घट 47 लोगों की मौत हो गई, 57 होर जख्मी हुए ने। जिक्रयोग है कि यह देश हड़ भूचाल बर्फबारी जमीन खिसकन से सोके समेत कुदरती आफतों ने सब तो कमजोर देशों विचों एक है। अनेक हिट गीतों के गायक और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले श्रोमणी गायक सुरेंद्र शिंदा 26 जुलाई को परमात्मा वालों मिली स्वासा की पूंजी भोगते गुरु चरणा जा विराजे सन। स्वर्गीय शिंदा के सपुत्र मनिंदर शिंदा ने जानकारी देते दसी कि उन्होंने पिता का अंतिम संस्कार 29 जुलाई दिन शनिवार को घाट साहब रस्मां पूरियां करन उपरंत मॉडल टाउन एक्सटेंशन स्थित शमशान घाट विखे दोपहर 1 बजे के करीब होगा। सुरेंद्र शिंदा पिछले लंबे समय तो बीमार चल रहे सन। उन्होंने इलाज लुधियाना के डीएमसी हस्पताल में चल रहा। सुरेंद्र शिंदा किडनी की समस्या के पीड़ित सन।
हिमाचल प्रदेश सवेर तो पै रही बारिश कारण किन्नौर जिले नूं शिमला नाल जुड़न वाला नैशनल हाईवे 5 रामपुर तो अगे चखड़ी नेड़े फिर तो ब्लॉक हो गया। इस कारण किन्नौर जिले का शिमला नाल पूरी तरह संपर्क टुट गया। बरौनी खड्ड नेड़े एनएच का हिस्सा लगातार नदी में टुट रहा है। नैशनल हाईवे 5 तीन दिनों तो लैंडस्लाइड कारण कई थावां तो बंद है। इस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पै रहा है। खास तौर पर रसोई गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल के खाण पीन का समान लेकर किन्नौर जाने वाले ट्रक ऑपरेटर तीन दिनों तो वक्त थावां पर फंसे हुए हैं। दूजे पास किन्नौर के नाथपा पिंड की पहाड़ी तो पिछले 4 दिनों तो चट्टाना भी डिग रही। पंजाब जो मुलाजम बेशक काम से परत आए हैं पर अब भी तहसीलों से सब तहसीलों रजिस्ट्रियां नहीं होंगी। अब कुछ भी काम नहीं होगा। हड़ न संबंधित काम तो इलावा माल विभाग न संबंधित ना तो कोई रजिस्ट्री होगी ना ही कोई होर काम होगा क्योंकि तहसीलदार नायब तहसीलदार अजे भी अनमिथे समय की हड़ताल से ने। माल अफसर का कहना है कि सरकार मंगा नहीं मानती तो विधायक आगू उन्होंने बेवजह परेशान कर देने। पंजाब रेवन्यू ऑफिसर एसोसीएशन का कहना है कि उन्होंने कई मसले सरकार को पेंडिंग में उन्होंने जान बुझ के फांसी दी जा रही है। पंजाब पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी मीह है। कई जिलों के लोगों ने हड़ां की स्थिति का सामना करना पड़ा। दूजे पास अजे भी मीह तो राहत मिलने के आसार नहीं है। पंजाब के कई जिलों में 2 दिन मीह का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने पंजाब के लगभग 10 जिलों में भारी मीह का अलर्ट जारी किया। जलंधर तरन तारण कपूरथला फाजिलका मुकसर अमृतसर फरीदकोट मोगा फिरोजपुर जिलों में मीह का अलर्ट जारी किया गया। कई खेतों में हल्के तो दरमियानी वर्खा पैन की संभावना प्रगटाई गई। इस अलावा हिमाचल में मीह के आसार बने रहेंगे जिस नाल पंजाब दी नदियों में पानी का पद्धर होर बढ़ सकता है। कनेडा विच पंजाबी नौजवानों की होने वाली मौत दी खबरों का सिलसिला रुकन का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कोई ना कोई अजिही मंदभागी खबर सामने आ जाती है। अजिहा एक मामला अमृतसर के पिंड नंगल फिंदा तो सामने आया जिथों के नौजवान की कनेडा विच भेद भरे हालातों च मौत हो गई। मृतक की पछाण भुपिंदर सिंह वजों हुई है। जानकारी मुताबिक भुपिंदर पिछले 10 सालों तो कनेडा के शहर ब्रैम्पटन में अपने परिवार नाल रह रहे थे। हुण इस तरह शकी हालातों में मौत होने नाल पूरा परिवार सदमे में है। फिलहाल स्पीड न्यूज़ विच बस इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।